गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टेम्पल्स एंड डांस का ये सेक्शन है, इसको आप आर्ट एंड कल्चर भी कह सकते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को जिस तरीके से मैं क्लासिफिकेशन के साथ कर रहा हूँ, जब ये पूरा सेक्शन कंप्लीट हो जाए तो आप एक बार ये तो कम से कम रियलाइज करिएगा कि ये 50 क्वेश्चन सुनने में लगते हैं कि नॉन टेक के सिर्फ 50 क्वेश्चन आते हैं। एग्जैक्टली ये सभी सेक्शंस के छोटे छोटे हिस्सों को मिला के आते हैं, तो कोई भी सेक्शन हल्के तौर पे देख के जाना लगभग उस सेक्शन के क्वेश्चन में अपने नेगेटिव मार्क्स लाने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाना है। और मैं ये बात बहुत भरोसे के साथ कहता हूँ कि अगर आप मार्च भर भी इस पूरे नॉन टेक के सेक्शन पे सही पकड़ बना लेंगे तो इसमें 30 नंबर तक लाए जा सकते हैं। 30 नंबर कठिन नहीं है, क्योंकि इसके बाद मैं करंट अफेयर्स भी शुरू करूँगा तो आपके 30 नंबर आसानी से आ सकते हैं। 20 क्वेश्चन आपके मतलब नेट में इफेक्टिवली हटेंगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हर वीडियो को देखने के बाद अपने लेवल पे ये देखो कि कौन कौन सी चीज़ ऐसी है जिसमें थोड़ी सी रिसर्च हम भी अपनी तरफ से कर लें, बाकी हम खुद अपने लेवल पे उसकी पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करते हुए ही बताते हैं। पहला जो क्वेश्चन है ये डांस से रिलेटेड है। मणिपुरी, कुचिपुड़ी, सत्रिया, मोहिनीअट्टम, ये डांस 4 आपको दिए हैं, यानी कि ये संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड ने 8 डांस को मान्यता प्रदान की है। उसको हम ऐसे याद रखते हैं, BSOM²K³। B से भरतनाट्यम, S से सत्रिया, O से ओडिशी, M से मणिपुरी और मोहिनीअट्टम, और K से कथक, कथकली और कुचिपुड़ी। तो आप भूलेंगे नहीं कि कौन से 8 डांस हैं, क्योंकि कभी कभी कैसे पूछ देता है, निम्नलिखित डांसों में से कौन सा एक डांस ऐसा है जिसे संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड ने, अवार्ड नहीं, संगीत नाटक एकेडमी ने मान्यता नहीं दे रखी है। तो 8 डांस हैं जिसे मान्यता दे रखी, 3, 2, 5 और 3, 8, BSOM²KQ। ये नहीं कि ये कोई लॉजिक, परमानेंट लॉजिक है, आप चाहें अगर ऐसे ही याद हो जाते हैं, मेमोरी के ऊपर निर्भर करता है। कहीं कहीं कुछ चीज़ें हैं ऐसी जिनमें सहूलियत के लिए हम अपना बना लेते हैं। अब ठीक है, इतनी नॉलेज से क्या हुआ, फिर इसके बाद आता है कि इससे रिलेटेड स्टेट। तो जनरली सत्रिया, मोहिनीअट्टम और भरतनाट्यम, ये ऐसे स्टेट हैं जो थोड़े बहुत आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। सत्रिया आपका असम से रिलेटेड है, मोहिनीअट्टम आपका केरल से रिलेटेड है, और भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु से है। बाकी सब इतने फेमस हैं कि किसी, शायद ही कोई दिक्कत आपको होती हो। कथक उत्तर प्रदेश से है, कथकली केरल से है, और केरल से 2 है, मोहिनीअट्टम और कथकली। मणिपुरी मणिपुर से है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से है, अब ओडिशी ओडिशा से है ना। तो इस तरीके से ये चीज़ जनरली लोगों को पता होती है। अब उतनी जानकारी के बाद अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि इसमें से कौन किससे रिलेटेड है, ये भी अब पता होना ज़रूरी है, क्योंकि अब जो प्रश्न आ रहे हैं उसमें पर्टिकुलर डांस से रिलेटेड अवार्डेड लोग बहुत पूछे जा रहे हैं। अब जैसे अगर मणिपुरी में आप जाएंगे तो मणिपुरी में केवल इलम इंदिरा देवी नहीं है, मणिपुरी में कम से कम 5 से 6 लोग हैं। गुरु विपिन सिंह जो हैं इसमें सबसे फेमस हैं, सबसे पुराने भी हैं और सबसे फेमस भी हैं। इनको संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड 1966 में मिला था। गुरु विपिन सिंह और इलम इंदिरा देवी, ये दोनों मणिपुरी में हैं, तो ये तो गलत हो गया। उसने करेक्ट पूछा है तो केवल एक, अगर यही पता हो आपको तो इस क्वेश्चन की दम निकल गई, क्योंकि उसने पूछा कौन सा करेक्ट है। तो कभी कभी क्या होता है, हमें 4 ऑप्शन दिए, हमें चारों पता हूँ, भाई एक कंफर्म पता है तो भी सही हो जाएगा, एक तो इसकी ये प्रोबेबिलिटी हुई। बाकी दूसरी चीज़ है, 8ों डांसों में दो दो तीन तीन लोग हैं, और वो कठिन तब होगा जब आप एक बार केवल 5 मिनट समय देना चाहते हैं 8 डांस के दो दो लोगों को याद करने के लिए। मैं ये मानता हूँ कि 5 बार 10 10 मिनट अगर समय एग्जाम तक आपने दे दिया तो आपको याद रहेंगे। स्पेसिफिकली जिनको पद्मश्री या संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड मिला है उनकी संख्या दो दो ही है, तीन तीन है, किसी में तो एक ही है। अब जैसे सुरेंद्र नाथ जीना है, इन्हें संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड मिला है ओडिशी डांस के लिए, तो ये भी गलत हो गया। पंडित बिरजू महाराज, इस पे तो जाने कितनी बार प्रश्न आया है, ये यूपी से रिलेटेड है, कथक के सबसे फेमस हैं, इनको इतने अवार्ड मिले हैं जिसमें सबसे बड़ा अवार्ड पद्म विभूषण है, जो कि भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, ये 4 मोस्ट ऑनर्ड सिविलियन अवार्ड होते हैं, उसमें पद्म विभूषण मिला है 1986 में। और गुरु विपिन सिंह हमने आपको बताया, मणिपुरी डांसर हैं।
तो ये तो तीनों गलत हो जाएंगे, तो इलम इंदिरा देवी मणिपुरी से रिलेटेड है, ये सही हो जाएगा। अब जब भी क्वेश्चन लगाइए, जैसे मैं इस क्वेश्चन को जब डिकोड कर रहा था तो मैं खुद कई चीज़ों को जाना, इलम इंदिरा देवी के बारे में, सुरेंद्र नाथ जीना के बारे में, पंडित बिरजू महाराज के बारे में, जब भी नॉन टेक का सेक्शन पढ़ें तो इंटरेस्ट के साथ पढ़ें। कई चीज़ें हैं, हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, मिनिमम नॉलेज के साथ आगे बढ़ता हुआ व्यक्ति उस तल पे प्रसन्न भी नहीं रह पाता है, जो ठीक ठाक चीज़ों की नॉलेज के साथ आगे बढ़ता हुआ व्यक्ति प्रसन्न रह सकता है। तो नॉलेज रिमेम्बरेंस के आधार पे और नॉलेज इंटरेस्ट के साथ रिमेम्बरेंस के आधार पे, दोनों में डिफरेंस है। तो इंटरेस्ट जितना बेहतर आप रखेंगे उतना आसान होगा चीज़ों को मेमोराइज रखना और हैप्पीली मेमोराइज रखना, ये भी होता है। अगला है, द संगीत नाटक एकेडमी ऑफ इंडिया रिकग्नाइजेज 8 डांस फॉर्म्स ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड। जो बात मैं बोल रहा था वही बात आपके सामने आ गई, भरतनाट्यम है, सत्रिया है, कुचिपुड़ी है। भरतनाट्यम तमिलनाडु से, सत्रिया असम से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से। करेक्ट आंसर छाऊ होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। खगन महंता वॉज ए नोटेबल पर्सन इन द फॉक म्यूजिक ऑफ, खगन महंता इज ए नोटेबल पर्सन इन द फॉक म्यूजिक ऑफ। डांस के अलावा हमें फॉक म्यूजिक टॉपिक भी देखना है आर्ट एंड कल्चर में, ये क्वेश्चन यहाँ कह रहा है। अब कायदे में अगर देखा जाए तो सबसे बेहतर होगा कि अगर 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो और बगल में 2023 का हो, हम 2022 के आर्ट एंड कल्चर के सारे क्वेश्चन रखें और 2023 के रखें और ये देखें कि वहाँ डांस और फॉक म्यूजिक के कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर कोई व्यक्ति 2022 के क्वेश्चन लगा के जाता है तो 2023 के कितने क्वेश्चन कर सकता है? अगर 2022 के क्वेश्चन में वो पूरी डिकोडिंग करे तो क्या वहाँ फॉक म्यूजिक है? तो क्या वहाँ डांस थे? तो क्या वहाँ डांस से रिलेटेड डांसर पूछे गए थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको सीरीज के बाद डिकोडिंग विद रिस्पेक्ट टू 2022 हम कितना कर पाते, इस पे भी कोशिश करेंगे 2 या 3 वीडियो बनाने की। तो अब इसने जो पूछा है खगन महंता, अगर जैसे थोड़ा बहुत आर्ट कल्चर आप पढ़ेंगे तो डांस पढ़ेंगे तो फिर फॉक म्यूजिक भी पढ़ेंगे, तो आप पाएंगे कि बहुत फेमस है खगन महंता और इस पे 3 से 4 बार SSC CHSL में प्रश्न बना है और ये SSC CHSL का ही प्रश्न है। तो खगन महंता असम फॉक म्यूजिक के हैं, इन्हें बिहू का राजा कहा जाता है। बिहू असम का डांस है, किंग ऑफ बिहू मतलब जबरदस्त डांस करते होंगे म्यूजिक पे, तो किंग ऑफ बिहू खगन मेहता। एक क्वेश्चन और बन जाता है कि हु इज नोन एज द किंग ऑफ बिहू डांस ऑफ असम, विच इज खगन महंता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ द बृहदेश्वर टेम्पल इन तमिलनाडु। ये टेम्पल इतनी बार पूछा गया है, इतनी बार पूछा गया है जिसकी कोई सीमा नहीं है। मतलब आई थिंक ऐसा कोई एग्जाम नहीं जाता है जिसमें ये क्वेश्चन ना आए। ये नहीं आता है कि बृहदेश्वर टेम्पल कहाँ है, ये कई अर्थों में आता है। बृहदेश्वर टेम्पल कहाँ है? तो तमिलनाडु में है, तंजावर तमिलनाडु। बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया? चोला एम्परर राजा राज प्रथम ने बनवाया। ये क्वेश्चन नहीं पूछा, देखो न ये पूछा कि बृहदेश्वर टेम्पल कहाँ है, न ये पूछा कि बनवाया किसने, राजा राज फर्स्ट, ये भी बहुत बार पूछा गया। उसने पूछा कि इसकी आर्किटेक्चरल स्टाइल क्या है। एक बार पूछा गया कि राजा राज फर्स्ट ने कब बनवाया, तो 1009 में। और एक बार पूछा गया कि बृहदेश्वर टेम्पल का दूसरा नाम क्या है, बृहदेश्वर टेम्पल का दूसरा नाम क्या है? इसका नाम है राजा राजेश्वर टेम्पल, राजा राजेश्वर टेम्पल नाम है। आर्किटेक्चरल वाला क्वेश्चन भी पूछा गया है लेकिन इतनी बार नहीं पूछा गया है, शायद 1 या 2 बार पूरे एग्जामों में, बहुत कम बार पूछा गया। तो जो बृहदेश्वर टेम्पल की आर्किटेक्चर स्टाइल है वो द्रविड़ियन है। एक बार पूछा गया है कि बृहदेश्वर टेम्पल को डिजाइन किसने किया था, उनका नाम है कुंजारा मल्लन राजा रामा पेरुन्थचन, समझ लीजिए उसमें ये कुंजारा मल्लन नहीं लिखा था, राजा रामा परंतुचन लिखा हुआ था। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन अपने आप में कितना इम्पोर्टेंट है, ये हिस्ट्री का भी है, ये आर्ट एंड कल्चर का भी है। ठीक है, यहाँ पे तो आर्ट एंड कल्चर के तौर पे ही हम कंसीडर करेंगे क्योंकि आर्किटेक्चरल स्टाइल की बात की है, तो द्रविड़ियन होगा।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिहार में, इन बिहार, विच ऑफ द फॉलोइंग इज परफॉर्म टू प्लीज द गॉड ऑफ रेन इंद्रा फॉर गुड रेन एंड गुड क्रॉप। झुमरी, जट जाटिन, फगुआ, झिंझिया। झिंझिया डांस जो है ये जो है इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए, अच्छी बारिश के लिए, अच्छी क्रॉप के लिए ये किया जाता है, और इसमें केवल वुमेन पार्टिसिपेट करती हैं, मेन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इसके अलावा जाट जाटिन, झुमरी, पैका, विदेशिया, कजरी, ये सारे जो डांस हैं ये बिहार के ही हैं। पाइका और विदेशिया हमने एक कम्युनिटी पे भी क्वेश्चन डाला था, पाइका बहुत पूछा जाता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्टाइल ऑफ स्कल्पचर इन बंगाल ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन 9th एंड 11th सेंचुरी इज कॉल्ड। द स्टाइल ऑफ स्कल्पचर इन बंगाल ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन 9th एंड 11th सेंचुरी इज कॉल्ड। किस स्टाइल में चीज़ें बनाई जाती थीं 9th से 11th सेंचुरी के बीच? 9th से 11th सेंचुरी के बीच आपकी जो डायनेस्टी थी वो पाल डायनेस्टी थी, और स्टाइल जो थी वो पाला स्टाइल ही थी। गोपाल जो थे ये पाल डायनेस्टी के फाउंडर थे, और लास्ट में जो बैठे थे वो मदन पाल थे। पाल शब्द का मतलब होता है, ये संस्कृत का वर्ड है जिसका मतलब होता है प्रोटेक्टर, ठीक है। और इस समय जो लैंग्वेज बोली जाती थी वो संस्कृत, प्राकृत और पाली बोली जाती थी। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस 9th से 11th सेंचुरी के बीच, 750 से लेके 1162 तक पाल डायनेस्टी रही थी। गोपाल के बाद धर्मपाल, धर्मपाल के बाद देवपाल, देवपाल के बाद महिपाल, महिपाल के बाद रामपाल, रामपाल के बाद मदनपाल, इसके बाद पाल डायनेस्टी का एंड हो गया था। गोल्डन इरा माना जाता है इसे बंगाली हिस्ट्री में। अब आपकी यहाँ जिम्मेदारी बनती है कि आप ये देखिए कि पाल डायनेस्टी के पहले कौन डायनेस्टी थी और पाल डायनेस्टी के बाद कौन डायनेस्टी थी। पाल डायनेस्टी के पहले जो डायनेस्टी थी उसका लास्ट रूलर कौन था, और पाल डायनेस्टी के बाद जो डायनेस्टी थी उसका पहला रूलर कौन था। जितनी डायनेस्टी हिस्ट्री में है उनमें किसी में से कोई क्वेश्चन बन सकता है, उसको एक पन्ने पे लिख के याद करना उससे ज़्यादा आसान है। जब भी कोई डायनेस्टी का क्वेश्चन आए तो उसका फर्स्ट रूलर कौन है, उसका लास्ट रूलर कौन है, उसके पहले कौन डायनेस्टी थी, उसके बाद कौन डायनेस्टी थी, आप उसे एक पन्ने को रटें, याद करें, फोकस करें, उसको लेके अपने मन में खुद ही आपके विचार आएगा कि ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं कैसे याद रखेंगे। बजाय उसके जब भी कोई डायनेस्टी का क्वेश्चन इधर उधर से आए, उसके पहले डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन था, उस डायनेस्टी का फर्स्ट लास्ट रूलर कौन है, उस डायनेस्टी को हटाने वाला कौन आया है, तो एक क्वेश्चन वो जब रिसर्चिंग वे में रहेगा तो वो ज़्यादा आपको मदद करेगा। ये वो हिस्सा है जब आप इसको पढ़ रहे हैं तो आप अपने कागज पेन पे एडिशनल क्या कर सकते हैं, इस तरीके के थॉट प्रोसेस से आपको थोड़ा सा पावर मिलेगी कि हाँ ये 15-20 मिनट हमारे लिए इतने यूजफुल हो सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मणिपुरी ए रिकॉग्नाइज्ड क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ मणिपुर। मणिपुरी एक रिकॉग्नाइज्ड क्लासिकल डांस ऑफ मणिपुर इज ए रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल डांस इन्वॉल्विंग विच गॉड और गॉडेस। मणिपुरी जो डांस है ये राधा कृष्ण को निरूपित करता है, ये राधा कृष्ण को निरूपित करता है, स्पिरिचुअल डांस है, राधा कृष्ण को ध्यान में रख के ही डांस किया जाता है। समझ लीजिए मथुरा वृंदावन में मणिपुरी डांस नहीं होता है, मणिपुर में मणिपुरी डांस होता है राधा कृष्ण को ध्यान में रख के। तो राधा कृष्ण सिर्फ मथुरा के नहीं हैं, राधा कृष्ण विश्व के हैं। तो इस चीज़ को जानिएगा कि अगर कभी आपको मणिपुरी डांस कोई कर रहा है तो उसको ये ना समझिए कि मणिपुर का डांस है, वो राधा कृष्ण के लिए एक स्पिरिचुअल फॉर्मेट में एक अदावत दे रहा है, इस चीज़ को समझिएगा। तो लॉर्ड कृष्णा राधा। द फेमस हिंगलाज माता टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है कि हिंगलाज माता टेम्पल पाकिस्तान में पड़ता है, लेकिन अगर इसकी रूट में जाओगे तो बहुत ही स्पिरिचुअल बात है। ये पुराणों के हिसाब से कहा जाता है कि
जो माता सती थी, जो कि शंकर जी की पत्नी थी, वो मना करने के बावजूद भी अपने पिता के यहाँ देवर्षि नारद के कहने से या सजेशन से या धर्म से या धर्म के कर्तव्य से अपने पिता के यहाँ हो रहे कार्यक्रम में गई थी। और वहाँ जाकर स्पष्ट तौर पर उन्होंने पूछा था कि मेरे पति को निमंत्रण क्यों नहीं दिया गया। जो तो माता सती के जो पिता थे उन्होंने उसमें जो वर्डिंग यूज की वो उन्हें अपने धर्म के हिसाब से पति के लिए सही शब्द नहीं लगे। तो ऐसे धर्म संकट में कि हम पिता से क्या ही कहें और मैं अपने पति के प्रति कितना सम्मान रखती हूँ, वो वहाँ यज्ञ कुंड में कूद गई थी। जो मैं बोल रहा हूँ उसमें थोड़ा बहुत शाब्दिक फर्क हो तो उसको अवॉइड करिएगा, भाव स्थिति को पकड़िएगा। और जब वो उस कुंड में कूद गई और ये बात भगवान शिव को पता चली तो फिर वो क्रोध में आग बबूला होकर सती का शव हाथ में लेकर पूरे ब्रह्मांड में घूम रहे थे। उनकी इस स्थिति को देखकर कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने सती के सुदर्शन चक्र से 51 टुकड़े किए और वो उन्हीं टुकड़ों पर 51 शक्तिपीठ विराजित है। उन्हीं 51 शक्तिपीठों में एक हिंगलाज माता का स्थान है जो कि पाकिस्तान में, लगभग 37 से 38 शक्तिपीठें भारत में हैं। उनके नाम हैं जिसमें कामाख्या देवी मंदिर भी है, हर जगह अलग अलग शक्तिपीठ जोड़ा जाता है। तो उस हिसाब से इसका करेक्ट ऑप्शन पाकिस्तान होगा। गुरु वेम्पति चिन्ना सिस्टम सत्यम ए पद्म भूषण अवार्डी इज वेल रिकॉग्नाइज्ड फॉर हिज एफर्ट्स फॉर गेटिंग क्लासिकल स्टेटस टू विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म। गुरु वेम्पता चिन्ना सत्यम ये पद्म भूषण अवार्डी है। अब सोचो अगर मतलब इनको मद्रास में दिया गया था, कुचिपुड़ी नेटवर्क एकेडमी एट मद्रास इन 1963, 1963 में इन्हें कुचिपुड़ी नेटवर्क एकेडमी मद्रास में खोली थी। इन्होंने आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी से, आंध्रा यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की डिग्री ली। पद्म भूषण मिला था इन्हें 1998 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। जिस स्टेट का जो व्यक्ति होता है वो इस स्टेट में बहुत फेमस होता है, ये बात को मान के चलिए। मतलब जिस हिसाब से हम अपने स्टेट के व्यक्ति को जानते हैं उस हिसाब से हर कोई नहीं जानता है इस चीज़ को, वो किसी भी फील्ड का हो। अगर पूछा जाए सुरेश रैना कहाँ के रहने वाले हैं, क्योंकि इजीली बोल देंगे हम लोग, डिस्ट्रिक्ट बता पाए ना बता पाए, यूपी का है सुरेश रैना। लेकिन ये बात मणिपुर में अगर आप किसी से पूछें जाके, आंध्र प्रदेश में पूछे जाके, इंडिया की तरफ से खेलता है ये क्रिकेटर, इट्स इनफ नॉलेज। तो ये चीज़ भी बहुत होती है। इसलिए चूँकि SSC JEE सेंट्रल का एग्ज़ाम है तो इसमें ये तो नहीं है कि केवल यूपी बैठेगा, यूपी के ही स्टूडेंट्स बैठेंगे। तो ये जो गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम है हो सकता हमारे लिए बहुत अजीब हो, लेकिन जो आदमी मद्रास का, आंध्र प्रदेश का, उसके लिए अजीब नहीं होगा। तो इसलिए कंपटीशन में ये चीज़ भी बहुत मायने रखती है। तो इसका जाहिर सी बात है करेक्ट ऑप्शन कुचिपुड़ी हो जाएगा, गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम। इसके बाद है अली अहमद हुसैन खान वाज एन एक्सपोनेंट ऑफ, एक्सपोनेंट मतलब उसमें माहिर थे उस चीज को बजाने में या उस चीज के प्रति उनकी इस यंत्र में स्किल थी, फ्लूट गिटार शहनाई बीन। तो रेनाउंड शहनाई एक्सपोनेंट उस्ताद अली अहमद हुसैन खान 16 मार्च 2016 को कोलकाता में एक्सपायर हुए हैं। जो रिसेंटली एक्सपायर होते हैं 4, 5, 6 वर्षों में वो किसी चीज़ में बेहतर होते हैं तो उनको पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन शहनाई होगा। हाउ मेनी टेम्पल्स आर देयर इन पंचायता स्टाइल ऑफ ए टेम्पल आर्किटेक्चर, पंचायतना स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। तो पंचायतना का मतलब 5 करेक्ट ऑप्शन हो गया। इसमें क्या होता है, एक सेंट्रल श्राइन होता है सराउंडेड बाई 4 श्राइन्स। पंचायतना श्रेणी के आप चाहें तो इमेज देख सकते हैं जो जो टेम्पल पंचायतना स्टाइल में बने हुए हैं। तो ये क्वेश्चंस 2023 में पूछे गए थे आर्ट एंड कल्चर से। 4 पेपर हैं, 4 पेपर को अगर डिवाइड करें तो तीन तीन क्वेश्चन एवरेज में पड़ जाते हैं। अब हिस्सा हमारा बचा है हिस्ट्री का, हिस्ट्री का हिस्सा बचा है, स्टैटिक स्पोर्ट्स बचा है और जनरल साइंस बचा है। हिस्ट्री, स्टैटिक स्पोर्ट्स और जनरल साइंस, इसके अलावा करेंट अफेयर्स।
और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन जो बीच में धोखे से छूट गए हैं, वो चाहे जियोग्राफी के हों या पॉलिटी के हों या इकोनॉमी के हों, या फिर ये अभी जो रिसेंटली वीडियो टेंपल डांस का, इसमें शायद कोई नहीं छूटा है, उनको भी शामिल करेंगे। और उसके बाद एक ब्रीफ डिस्कशन कि अब हमें किस तरीके की अप्रोच रखनी चाहिए और कौन कौन से सेक्शन, और कुछ छोटे छोटे मॉक टेस्ट भी लाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।